हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 24/7 का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा पे। और मैं अमित सिंह, फैकल्टी ऑफ साइंस, आप सभी के सामने हाजिर हो चुका हूं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने बायोलॉजी के मॉक्स। बायोलॉजी के मॉक्स में आप सभी का स्वागत है केवीएस 2023 टीजीटी एंड पीजीटी एग्जामिनेशंस के लिए। तो आप सब तैयार हैं? प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे गए ये सारे सवाल हैं। और पहला सवाल स्क्रीन पे आने जा रहा है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ एन एंडेंजर्ड एनिमल एंड नेशनल पार्क? टाइगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कियोलाडो नेशनल पार्क, रेड पांडा कंचनजंगा नेशनल पार्क, या फिर राइनोसेरस काजीरंगा नेशनल पार्क? सही जवाब देने हैं। आपका समय शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी जल्दी आपको जवाब भी देना है। सरू चौधरी, एन बी साहू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए जवाब दीजिए, वॉट विल बी द करेक्ट आंसर? टीजीटी एंड पीजीटी एस्पिरेंट्स ऑफ केवीएस, जवाब आपका क्या होगा? सवाल पूछ रहा है कि इनमें से कौन इनकरेक्टली मैच्ड है। टाइगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कियोलादेओ नेशनल पार्क, रेड पांडा कंचनजंगा नेशनल पार्क, या फिर राइनोसेरस काजीरंगा नेशनल पार्क? और इसका सही जवाब, एन बी साहू, आपका जवाब बी इज बहुत सही। ऑप्शन नंबर बी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कियोलाडो नेशनल पार्क नहीं होगा, बाकी टाइगर जिम कॉर्बेट, रेड पांडा कंचनजंगा एंड राइनोसेरस काजीरंगा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एक्सोटिक स्पीशीज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? भारत में वो कौन से एक्सोटिक स्पीशीज हैं जो कि भारत में इंट्रोड्यूस किए गए थे? वो कौन से एक्सोटिक स्पीशीज हैं जो कि भारत में इंट्रोड्यूस किए गए? लैंटाना इकोनिया वैलिसनेरिया, निलंबियम पार्थेनियम इकोनिया, लैंटाना इकोनिया पार्थेनियम, या फिर निलंबियम निम्फिया या इकोनिया? क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट विल बी द राइट आंसर? एक्सोटिक स्पीशीज दैट आर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, वन ऑफ द एक्सोटिक स्पीशीज इज इकोनिया, another exotic species is Parthenium species, one of the Vidicides and Lantana are the exotic species that has been introduced in India. The correct answer will go to option number C. Next question, question number 3 क्या कहता है? Lion is a resident in which one of the following national park? Lion इनमें से कौन सा national park का resident है? Ranthambore, Kanha, Gir या फिर Bandipur? Come on guys, give your answers. Lion is a resident in which one of the following national park? रणथंबोर, गिर, कान्हा या बांदीपुर? लायन इनमें से किस नेशनल पार्क का एक रेसिडेंट है? रणथंबोर का है, गिर का है, कान्हा का है, या फिर बांदीपुर का है? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? बी इज द करेक्ट आंसर। गिर का एक रेसिडेंट है लायन। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, विच अवार्ड इज गिवन टू इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज फ्रॉम रूरल एरियाज दैट हैव शोन एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज एंड डेडिकेशन इन प्रोटेक्टिंग लाइफ वाइल्ड लाइफ? इनमें से कौन सा अवार्ड दिया जाता है उन ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी को जो कि अक्षम्य साहस और साथ ही साथ बायोडायवर्सिटी को बचाए रखने के लिए अपना अहम योगदान दिया है? ग्रीन पीस अवार्ड, स्टीव अर्विन वाइल्ड लाइफ अवार्ड, इंदिरा गांधी पीस अवार्ड, या फिर अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड? क्या होगा जवाब? विच अवार्ड इज गिवन टू इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज फ्रॉम रूरल एरियाज दैट हैव शोन एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज एंड डिटेक्शन इन प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ? ग्रीन पीस अवार्ड, स्टीव अर्विन वाइल्ड लाइफ अवार्ड, इंदिरा गांधी पीस अवार्ड, अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड? क्या होगा जवाब? क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड दिया जाता है। हर एक सवाल पे पैना नजर होना चाहिए आप सभी का, है ना? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन अ थ्रेटन्ड प्लांट और एनिमल नीड अर्जेंट मेजर्स टू सेव इट फ्रॉम एक्सटिंक्शन, जब भी किसी ऐसे पादप या जंतु स्पीशीज की या प्रजाति की बात करूं जो कि विलुप्त होने के कगार पे है, द डिजायरेबल अप्रोचेस, तो क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए? क्रायो प्रिजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन, या फिर बायो प्रिजर्वेशन? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द राइट आंसर? If there is a case that an organism, be it a plant species or an animal species, is about to get extinct, so what is the definitive measures that we need to apply? Is it the cryopreservation method? Is it the in situ preservation method? Is it the ex situ conservation method or the biopreservation method? The correct answer is option number C, ex situ conservation method is the right answer. D nahi hoga, it is ex situ conservation. Option number C is the right answer. अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज होम टू फेमस वन हॉर्न राइनोसेरस? एक सिंगी गेंडा किसका घर, कहां का घर, का घर कहां है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, डाचिगम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड, या फिर काजीरंगा नेशनल पार्क असम? जवाब दीजिए, come on guys, give your answers. First, which one of the following national park is home to the famous one-horned rhinoceros? Bandhavgarh National Park, Madhya Pradesh, Dachigam National Park, Jammu and Kashmir, Nanda Devi National Park, Uttarakhand, ya fir Kaziranga National Park?
सिक्स का जवाब डी एन बी साहू उर्मिला राठौर सुमित जैन आपका जवाब बहुत सही है काजीरंगा नेशनल पार्क असम इज द राइट आंसर वन हॉर्न राइनोसेरस। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर सेवन ध्यान से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा है ना बहुत अच्छा फ्लोचार्ट वाला क्वेश्चन है। गिवन बिलो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ ग्लोबल डायवर्सिटी ऑफ वर्टिब्रेट्स व्हाट ग्रुप्स ऑफ द फोर पोर्शंस ए डी रिप्रेजेंट ए बी सी डी ई ये जो चारों आपको खांचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट सही किया गया है व्हाट ग्रुप ऑफ द फोर पोर्शंस ए टू डी रिप्रेजेंट रेस्पेक्टिवली तो ए बी सी डी ई ये आपकी पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन है डायवर्सिटी की तो ग्लोबल डायवर्सिटी में ए में कौन होना चाहिए बी में कौन होना चाहिए सी में कौन होना चाहिए डी में कौन होना चाहिए ई में कौन होना चाहिए आपको ऑप्शन नंबर वन टू थ्री फोर के रेस्पेक्ट में देना है। क्या ए में फिशेस होना चाहिए क्या ए में बर्ड्स होना चाहिए ए में फिशेस होना चाहिए या ए में मैमल्स होना चाहिए सबसे पहले जवाब आप यहीं से दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेवन व्हाट विल बी द राइट आंसर कम ऑन गाइस फास्ट बहुत बढ़िया सवाल है। तो सबसे ज्यादा अगर वर्टिब्रेट्स में डायवर्सिटी की बात की जाए तो वो हमें कहां दिखती है पाइसिस में तो बी और डी तो कहीं से नहीं हो रहा। मैंने एक हिंट आपके लिए दे दिया कि पहला खांचा जो है वो मछलियों के लिए होगा फिशेस के लिए होगा अब बी सी डी ई में क्या होगा बताइए दूसरे और चौथे ऑप्शन को तो भूल ही जाइए अब आपको पहले और तीसरे ऑप्शन में से सर्च करना है व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ए बी सी और डी। दूसरा जो सबसे बड़ा खांचा होता है बी सी डी एंड डी बी और ई और सी और डी कंपैरेटिवली सी और डी आपको दिख रहा है ज्यादा और सी और डी में होते हैं रेप्टाइल्स और बर्ड्स ई में होते हैं मैमल्स और बी में होते हैं एम्फीबियंस तो पाइसिस एम्फीबियंस रेप्टाइल्स एव्स एंड मैमल्स पाइसिस एम्फीबियंस रेप्टाइल्स एव्स एंड मैमल्स परम के नाम से आप याद रख सकते हो परम के नाम से आप याद रख सकते हो पाइसिस एम्फीबियंस रेप्टाइल्स एव्स एंड मैमल्स। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर एट प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर कॉजेस एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ फ्री फ्लोटिंग एल्गा कॉल्ड अगर कहता है कहा यह जा रहा है कि अगर बहुत ज्यादा मात्राओं में खनिज मौजूद हैं जल में तो उसकी वजह से तैरने वाली कई सारी शैवालों का सृजन देखने को मिलता है उसे हम क्या कहते हैं इज इट कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन बायो प्रोस्पेक्टिंग यूट्रोफिकेशन और फिर रेड टाइड क्या कहते हैं समुद्र नील रुद्रा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हो चुका है लीफ स्टेम लीफ करा दिया है पूरा बढ़िया से। अगर आप पेड स्टूडेंट हैं तो आप पेड स्टूडेंट होने के साथ साथ आपको ग्रुप में भी जोड़ा गया होगा उसमें पीडीएफ भी दिया गया होगा अपार्ट फ्रॉम दैट आपको रिकॉर्डिंग क्लास भी मिली होगी प्लीज डू चेक द रिकॉर्डिंग्स एंड नाउ फोकस ऑन द क्वेश्चंस नॉट अबाउट द क्लासेस ठीक है समय बहुत कम है एमसीक्यू प्रैक्टिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट डोंट आपस में ऐसा कमोशन क्रिएट ना करें जिससे ये जो सेशन है वो बर्बाद हो। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर कॉजेस एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ लीफ फ्लोटिंग एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी यूट्रोफिकेशन उसे कहते हैं। बायो मैग्निफिकेशन इज प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज जितना गंदा पानी उतना ज्यादा कचड़ा दैट इज बायो मैग्निफिकेशन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर नाइन फिर से डायग्राम बेस्ड सवाल है आपको पहचानना है ए बी और सी के लेबलिंग्स क्या होने चाहिए इन द गिवन बायोम Is it the coniferous forest, alpine tundra, desert, temperate forest, grasslands or tropical evergreen forest? आपको A, B और C पहचानना है A, B और C के लिए कई सारे options दिए हैं आपको पहचानना है A सही है दूसरा option सही है तीसरा option सही है चौथा option सही है What would A represent? What would B represent? What would C represent? दूसरी अहम बात मैं ये बताने जा रहा हूं कि आपकी एग्जामिनेशन जो कि केवीएस टीजीटी की होगी फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होगी एनसीईआरटी के डायग्राम से उठ के क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी के लाइंस उठ के क्वेश्चन आएंगे इनफैक्ट जितने भी भारत में आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होती है उनकी जो बेस क्वेश्चन बनते हैं वो एनसीईआरटी से ही बनते हैं तो एनसीईआरटी ना भूलना बताइएगा क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर नाइन व्हाट विल बी द राइट आंसर पहला ए होगा टेम्परेट फॉरेस्ट दिस विल बी ए Temperate forest. B will be the coniferous forest. और ये जो आपको बहुत छोटी नीचे माइनस टेन में दिख रही है दैट इज योर अल्पाइन तुंद्रा सो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर कितने लोगों ने सही जवाब दिया है
ऑप्शन नंबर डी मोनिका सैन बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम द एवरेज टेम्परेचर एक्सीड 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इनमें से वो कौन सा जैव मंडल है यानी इकोसिस्टम है जहां पे टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ऊपर होती है। इज इट द थर्मल स्प्रिंग, कोरल रीफ, हाई माउंटेन टॉप और पोलर एरिया? क्या होगा जवाब? जबरदस्त बताइए क्या होगा सही जवाब, ए बी सी और डी। क्या होगा सही जवाब? ए बी सी और डी। सर टेंथ की एनसीईआरटी सफिशियंट होगी क्या? टेंथ तक टीजीटी के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है, अगर आप पीजीटी एस्पिरेंट हो तो क्लास 12 तक की पूरी एनसीईआरटी पढ़ जानी है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल बी द आंसर? पहला जवाब आया सर ए होना चाहिए, और रुद्रा रूसो श्रावणी कासी रेड्डी यू आर राइट, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, थर्मो एसिडोफिल्स, जिसमें थर्मोकॉकस, थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मोफिलस ये सारे आते हैं, दे लिव इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स दैट एक्सीड्स द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला सवाल, द ऑर्गेनिजम्स विच थ्राइव एंड टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में भी जो रह सकते हैं उसे स्टीनोथर्मल, यूरीथर्मल क्या कहते हैं, यूरी हलाइन और कॉन्फोमा, ए बी सी और डी। क्वेश्चन नंबर 11, these are the MCQs that have been asked in previous KVS examinations and are most probable in upcoming KVS 2023 examination, be it TGT or PGT. The organisms which thrive and tolerate a wide range of temperature is called a conformer, is it called a urihaline, is it called a stenothermal or a urethermal? And the correct answer is option number T, urethermal, jo wide range may be adapt kar sake, that is called urethermal, and which are restricted to a specific temperature that are called stenothermal. Agla sawal, question number 12, match the column A and B, column A aur column B ko match karna hai, amensalism, predation, commensalism, competition, kya hona chahiye, match kariye, isme 5 option diya hai column B mein, column A mein 4 option diya hai, aapko sahi options match karne hain, aapke options yahan diye gaye hain, 1 ka E, 2 ka A, 3 ka D, 4 ka B, 1 ka A, 2 ka B, 3 ka C, 4 ka D, 1 का E, 2 का B, 3 का D, 4 का A, या 1 का A, 2 का D, 3 का E, या 4 का B, what will be the right answer? Give your answers fast. Match the column with column B. Come on guys, fast. Amensalism, predation, commensalism, competition. A, B, C, या D. देखो, amensalism में एक को कोई फर्क नहीं पड़ता और एक नेगेटिव ग्रोथ दिखाता है, तो वन का ई होगा कंफर्म है। प्रेडेशन में एक बेनिफिट होता है और एक नेगेटिव स्लोप में जाता है, तो टू का ए होगा, तो वन का ई, टू का ए किसमें दिख रहा है, पहले में ही दिख रहा है। प्रेडेशन कमेंसालिज्म, एक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और दूसरे को प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो थ्री का हो गया डी, और कंपिटिशन में हो जाएगा फोर का बी, that is both will be negatively affected. तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 का E, 2 का A, 3 का D and 4 का B, option number A is the right answer. अगला सवाल, question number 13, which is not an example of mutualism, इनमें से mutualism किसका example नहीं है, lichen, fig and wasp, cascuta and hedge plant or mycorrhiza, which is not an example? Guys who are live, please do like the session. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए अक्यूमुलेट करके लाया जाता है यहां पे, सेशन को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, है ना। विच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म, लाइकन, माइकोराइजा, फिग वास्प और कस्क्यूटा हेज प्लांट, इनमें से कौन एक म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल नहीं है? कस्क्यूटा एंड हेज प्लांट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर फास्ट, आज 30 क्वेश्चन ही है लेकिन कल सेट में आपके 60 क्वेश्चन होंगे, आई एम गारंटिंग यू, आज 30 है कल 60 होंगे, आज 45 मिनट्स का सेशन है लेकिन कल 60 मिनट्स का सेशन होगा, और 60 मिनट्स के सेशन में 60 क्वेश्चंस हम करेंगे, ये हमारा कल का टारगेट है। अगले दिन 60 के जगह 90 करेंगे, आज 30 है कल 60 है, उसके दिन 90 होना चाहिए, ये रेट ऐसे ही मैं बढ़ाऊंगा और एक घंटे के अंदर ही बढ़ाऊंगा। टाइम मैनेजमेंट आपको मेंटेन करना है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हुई होगी उतना कम समय लोगे आप। तो फर्स्ट डे बायोमॉक 30 क्वेश्चन, सेकंड डे बायोमॉक 60 क्वेश्चन, थर्ड डे बायोमॉक 90 क्वेश्चन, फोर्थ डे बायोमॉक 120 क्वेश्चन, फिफ्थ डे बायोमॉक एक घंटे में 150 क्वेश्चन करवाऊंगा, स्पीड कैसी होगी ये आप समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, क्या होगा जवाब? द टाइगर सेंसस इन आवर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इज ऑफन बेस्ड ऑन पग मार्क, फीकल पेलेट्स, बोथ वन एंड टू, या परसेंट एरिया कवर? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, उसके फीकल मैटर, जहां जहां पॉटी करते हैं वो फीकल पैलेट्स एंड पग मार्क, दोनों पे डिपेंड करता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, अबिंगडन टॉर्टोइस बिकम एक्सटिंक्ट एट विच प्लेस, ईस्टर आइलैंड, गवर्नर्स आइलैंड, हार्बर आइलैंड और गैलापागोस आइलैंड, क्या होगा जवाब?
क्या होगा जवाब बताइए. एबिंगडन टॉर्टोइस बिकम एक्सटिंक्ट एट विच प्लेस, कौन से जगह पे वो एक्सटिंक्ट हुआ था? ईस्टर आइलैंड, गवर्नर्स आइलैंड, हार्बर आइलैंड या गैलापागोस आइलैंड? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गैलापागोस आइलैंड. गैलापागोस आइलैंड पे गए थे हर मैजेस्टी सर्विस बियागल पे डार्विन, और डार्विन ने जहां के वहां जाके एक अजीब अडेप्टेशन पक्षियों में देखी जिसे उन्होंने डार्विन फिंचेस का नाम दिया, और वो सारे अडेप्टेशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस था. अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच इज द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन लाइफ, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ एक बार जिंदगी में ब्रीड करता है? इज इट पैसिफिक सैल्मन, बैम्बू स्ट्रबलांथस कुंथियाना या ऑल ऑफ द अबव? स्ट्रबलांथस कुंथियाना नीलगिरी हिल्स की पहाड़ियों में अगर आप साउथ साइड में जाओगे तो खिलती हैं. कहता है कि विच इज द एग्जांपल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट ब्रीड्स ओनली वंस इन लाइफ, पूरे जिंदगी में सिर्फ एक बार ब्रीड करता है. पैसिफिक सैल्मन, बैम्बू स्ट्रबलांथस कुंथियाना या ऑल ऑफ द अबव? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी. स्ट्रबलांथस कुंथियाना, बैम्बू एंड पैसिफिक सैल्मन, ये तीनों ही एक बार ही ब्रीड करते हैं अपने पूरे जीवन काल में. अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर वर्हल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ? वर्हल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ आपके केवीएस के सिलेबस में क्लियरली ये लिख दिया जा चुका है कि आपकी क्लास 12 तक की एनसीईआरटी की सिलेबस और कंटेंट तो कवर होगी ही, प्लस सम फोकस विल बी गिवन टू द पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेबस ऑफ बायोलॉजी. आपकी वहां से ये कर्व है पीजी से. वर्हल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ का करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर आर टी, डी एन बाई डी टी इज आर एन, डी एन बाई एन इज आर डी टी, और डी एन बाई एन इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई के. पॉपुलेशन कैपेसिटी या पॉपुलेशन नंबर या पॉपुलेशन डेंसिटी या मोर्टैलिटी या नेटैलिटी या पॉपुलेशन ग्रोथ, स्टेबिलाइजिंग ग्रोथ, अनस्टेबिलाइज ग्रोथ, इक्विलिब्रियम ग्रोथ, इन सबको स्टडी करते तो आपको यह पक्का पता होता, बिकॉज वर्हल्स्ट पर्ल फॉर्मूला का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, डी एन इज इक्वल टू आर एन के माइनस वन बाई टू, दैट इज द कैरिंग कैपेसिटी एंड पॉपुलेशन कैपेसिटी का डिफरेंस है. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18, इन F2 जनरेशन ऑफ मेंडेलियन, ये आपके एनसीईआरटी से सवाल है, इसके पहले वाला स्ट्रेट एनसीईआरटी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, पेज नंबर मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन एक बार ध्यान से देख लेना. इन F2 जनरेशन ऑफ मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉसेस, सो अगले कल से ना मैं जो क्वेश्चंस लाऊंगा उसके लिए मैं एनसीईआरटी के लाइन भी बता दूंगा कि एनसीईआरटी के कौन से पेज में है, लाइन तो नहीं लेकिन कौन से पेज में इसका आंसर आपको मिलेगा, मैं ये भी बता दूंगा. क्योंकि रैपिड फायर में हर सवाल का सिर्फ मैं जवाब ही दे पाऊंगा, उसकी एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे पाऊंगा, समय कम है, क्वेश्चन ज्यादा कराने हैं. तो आई विल गिव यू द पेज नंबर ताकि आप तुरंत जाके अगर कहीं आपको डाउट है तो उस पेज पे जाना, देखना, ना समझ आए देन कॉन्टैक्ट मी. In F2 generation, later on, है ना, उस YT session में नहीं. In F2 generation of Mendelian dihybrid crosses, source of non-parental phenotype, genetics and evolution से सवाल. Crossing over mutation, independent assortment or non-disjunction. F2 generation, मतलब second filial generation की बात कर रहा of Mendelian dihybrid cross, जहां two cross characters को हम study करते हैं at the same time. Of non-parental phenotypes is crossing over mutation, independent assortment या non-disjunction? Question number 18, what will be the answer? इसका सही जवाब है independent assortment. Monohybrid, dihybrid, Mendelian dihybrid cross में when we study two characters of a time, the source of non-parental phenotype is an independent assortment. तभी red is to white के साथ एक दूसरा कलर, एक हाइब्रिड कलर ब्लू या कुछ आपको देखने को मिलता है. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. 18 का सही जवाब सी होगा. जिन लोगों ने ए अभी दिया है उनका जवाब गलत है. अगला सवाल, इफ सम जीन्स आर वेरी टाइटली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, अगर कुछ ऐसे जीन हैं जो एक ही क्रोमोसोम पर बहुत तेजी से लिंक्ड है या जुड़े हुए हैं, देन दिस शोज नो रिकॉम्बिनेशन, वेरी लो रिकॉम्बिनेशन, वेरी हाई रिकॉम्बिनेशन या फिर 50% रिकॉम्बिनेशन? क्वेश्चन नंबर 19 बताइएगा. If some genes are very tightly linked on the same chromosome, then they show no recombination, very low recombination, very high recombination, or 50% recombination. And the correct answer is, बहुत कम recombination दिखाते हैं ऐसे जीन जो same chromosomes पे जुड़े रहे जाते हैं. Option number B is the right answer. अगला सवाल question number 20. मानव का जो त्वचा का जो रंग है वो तीन जीन के जोड़ों से कंट्रोल होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल बी द इंटरमीडिएट स्किन कलर, तो जो इंटरमीडिएट स्किन कलर होगा वो कौन सा जीनोटाइप होगा? डबल ए, डबल बी, डबल सी, मतलब कैप्स ए, कैप्स बी, कैप्स सी, कैप्स ए स्मॉल ए, कैप्स बी स्मॉल बी, कैप्स सी, कैप्स सी, कैप्स ए स्मॉल ए, कैप्स बी स्मॉल बी, कैप्स सी स्मॉल सी, और
डबल ए डबल बी डबल सी, दैट इज द रिसेसिव ए बी सी. क्या होगा जवाब? यहां पे डोमिनेंट एबीसी, यहां पे रिसेसिव एबीसी, और यहां पे हाइब्रिड दिख रहा है आपको. तो कहता है कि हाइब्रिड स्किन कलर किससे रिप्रेजेंट होगा. ये तो बड़ा आसान सा सवाल था यार. ये जवाब नहीं दिया तो क्या दिया? हेटरोजाइगस डोमिनेंट में कोई अगर एक डोमिनेंट हो और एक रिसेसिव हो तो इंटरमीडिएट जो हाइब्रिड आता है उसमें एक डॉम एक रेस, एक डॉम एक रेस, एक डॉम एक रेस, ऐसा ही तो दिखता है. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. द बेसिक सा स्ट्रक्चर था टीजीटी वाले, ये आपको बता देना चाहिए था. अगला सवाल, एन इंडिविजुअल इज हेटरोजाइगस फॉर फोर जीन लोसाई, हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड. कहता है एक इंडिविजुअल है हेटरोजाइगस फॉर फोर जीन लोसाई, तो कितने टाइप ऑफ गैमेट्स बनेंगे? दो, चार, सोलह या आठ? क्वेश्चन नंबर 21, फास्ट. चार जीन की लोकाई है, कितने टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे? फास्ट 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 फास्ट. क्वेश्चन नंबर 21, एनबी साहू, सरू चौधरी, जमीरा शेख, रुक्मिना, रेखा बिंद, उर्मिला राठा और श्रावणी काशी रेड्डी. मुझे आज नए बच्चे स्ट्रीम पे काफी सारे दिख रहे हैं. व्हाट अबाउट माय पेड स्टूडेंट्स? सो रहे हो, आराम कर रहे हो? ये आराम करने का समय नहीं है. सबके नाम मुझे दिखने चाहिए यहाँ पे कमेंट बॉक्स में. यू हैव टू बी प्रेजेंट इन माई मॉक, देन ओनली यू आर गोइंग टू डू समथिंग विद द कंटेंट यू आर स्टडिंग इन द पेड क्लासेस. अदरवाइज उन पेड क्लासेस के क्लासेस का कोई मतलब नहीं बनता है अगर आप एमसीक्यू नहीं सॉल्व करते. सीधी सीधी बात है. An individual is heterozygous for four gene loci. How many type of gametes will be produced? The correct answer is option number C, 16. 16 gametes produce honge. अगला सवाल, question number 22. Consider two statements. दो statement दिया गया है, आपको बताना है दोनों सही है, एक सही है, पहला सही है, दूसरा गलती है, पहला गलती है, दूसरा सही है. Presence of thymine at the place of uracil confers additional stability to DNA. अगर thymine की उपस्थिति uracil के जगह पे कर दे तो DNA ज्यादा स्टेबल हो जाती है. DNA also known to be catalytic. और DNA को catalytic यानी breaking power रखने वाली एक मॉलिक्यूल बताई जाती है. A and B both are true. A true, B false. Both A and B are false, या A false and B true. And the correct answer goes to A is true and B is false. DNA also known as is said to be catalytic, ऐसा कुछ नहीं है. DNA खुद unwind होती है RNA में, तो retrovirus का वो काम होता है. DNA खुद नहीं करती. तो option number B कहाँ से सही हुआ? Option number A is the right answer. So option number B will be the correct option. अगला सवाल, question number 23. Molecular basis of inheritance से पूछा गया सवाल. Identify an initiator transfer RNA for translational RNA for translational process. Identify the initiator tRNA for translation process. इनमें से initiator आपको क्या लग रहा है? AUG, GCAU, UAG या UAC? Question number 23. 5 prime, 3 prime, CAU, AUG, UAC या UAG? Which is an initiator translator RNA for this translational process? And the correct answer is A, B, C or D. Question number 23. उर्मिला राठौर, AUG is the wrong answer. मंजू, AUG is the wrong answer. और कोई? AUG, उर्मिला, फिर से wrong answer. जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब AAA दिया है, जस्ट बिकॉज यहां पे आप ये नहीं देख रहे कि सिर्फ इनिशिएटर कोडोन के नाम से आप लोग सारे जवाब दिए जा रहे हो. इनिशिएटिंग कोडोन, इनिशिएटिंग कोडोन इज AUG, 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 AUG. लेकिन यहां पे ट्रांसलेशन कराना है, ट्रांसलेशन कराना है. एंड फॉर ट्रांसलेशन the correct answer will be option number B, CAU. Option number B is the right answer. UGA and GGC, जो आप लोग जिस हिसाब से देख के बोल रहे हो initiator और terminating codon से फ्रट के, that is not the right answer. अगला सवाल, question number 24. सवाल जरूर डिस्कस कर लेना ग्रुप में ये मेरे से, अगर पिछले वाले सवाल में दिक्कत आई हो. How many total base pairs will be present in 68 nanometer DNA segment? कितने base pairs present होंगे अगर 68 nanometer का, अगर 68 नैनोमीटर का क्या हो, डीएनए सेगमेंट हो. हाउ मेनी टोटल बेस पेयर्स विल बी प्रेजेंट इन 68 नैनोमीटर ऑफ डीएनए सेगमेंट? 340 बेस पेयर्स, 680 बेस पेयर्स, 200 और 400 बेस पेयर्स. गलत तो होना ही है ना. अगर गलत हो रही है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर अच्छी बात इसलिए है कि अगर गलत हो रही है तो सही होने की संभावना ऑटोमेटिकली बढ़ेगी. इसका सही जवाब होगा 200 बेस पेयर्स. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. अगर 68 नैनोमीटर का हो डीएनए सेगमेंट तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स 200 होंगे. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ोगे तो उसमें ईच डीएनए स्ट्रैंड में कितने बेस पेयर्स होते हैं उससे कैलकुलेशन ये आ जाती है. अगला सवाल, द डायरेक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज फ्रॉम 5 to 3, फ्रॉम 3 to 5, अमाइनो टर्मिनस टू कार्बोक्सी टर्मिनस, या कार्बोक्सी टर्मिनस टू अमाइनो टर्मिनस? जल्दी बताइए. क्वेश्चन नंबर 25, द डायरेक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है वो 5 एंड से 3 एंड तक होती है, 3 एंड से 5 एंड तक होती है, अमाइनो से कार्बोक्सी तक, या कार्बोक्सी से अमाइनो तक, कहां तक होती है? क्वेश्चन नंबर 25.
द डायरेक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन नहीं, सवाल उस समय ट्रांसलेशन पे था लेकिन अब रेप्लिकेशन पे होगा जहां इनिशिएटिंग कोडन एयूजी होगा और यहां पे द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन विल बी फ्रॉम 5 and 2 3 एंड सो करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत सही। अगला सवाल, मंजू ने डी क्यों दिया मुझे समझ नहीं आया। अगला सवाल, पीसीआर प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या रिक्वायर नहीं करती, डीएनए प्राइमर, प्राइमेज एंजाइम, टैक पॉलीमरेज या डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। क्वेश्चन नंबर 26, फास्टर गाइस फास्टर। PCR process does not requires DNA primers, primase enzyme, tac polymerase या फिर deoxynucleotides। And the correct answer is primase की जरूरत उन्हें नहीं पड़ती, tac polymerase चाहिए, deoxynucleotide चाहिए और DNA primers तो चाहिए ही चाहिए for lagging and joining the ends। So incorrect option will be option number B। करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी बट इट डज नॉट रिक्वायर इज प्राइमेज एंजाइम। अगला सवाल, सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स हेल्प अस टू आइडेंटिफाई, जो सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं वो हमें किस चीज में फायदेमंद साबित होते हैं, कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड जानने के लिए, प्लाज्मिड हैविंग एंड इंसर्ट जानने के लिए, या फिर फॉरेन जीन प्रोडक्ट को जानने के लिए, या फिर वायरल वेक्टर्स को जानने के लिए। सृष्टि, आकांक्षा, रुक्मिना, पल्लवी, मंजू, एनबी साहू, जवाब बताएं। Selectable marker genes help us to identify copy number of plasmid, plasmid having an insert, foreign gene product, viral vectors, and the correct answer is option number B, plasmid having an insert को जानने की ज्ञान प्रदान करता है ये selectable markers, पहचान करने के लिए। अगला सवाल, question number 28, BT cotton is resistant to Bacillus thuringiensis, mosquitoes, cotton bollworms या फिर corn borer। Question number 28, BT cotton is resistant to Bacillus thuringiensis, mosquitoes, cotton bollworms or corn borers? Question number 28, A, B, C or D? Bacillus thuringiensis is resistant to Bacillus, अरे इसको resistant थोड़ी होगा, it is resistant to cotton bollworms, BT cotton, option number C is the right answer. Clear है? अगला सवाल, question number 29, identify incorrect match column, इनमें से जो गलत है उसकी पहचान करें। और ईमानदारी से सारे लोग ये भी बताएंगे, सर टीजीटी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या एनबी साहू जी, ये टीजीटी के सवाल नहीं है, अभी जो चल रही है वो पीजीटी की चल रही है, तो मिक्स्ड मॉक चल रहा है, टीजीटी के भी सवाल है, पीजीटी के भी सवाल है, जहां टीजीटी लेवल की आ रही है मैं खुद कह दे रहा हूं, तो घबराने वाली जरूरत नहीं है, यहां पीजीटी बायोलॉजी के भी एस्पिरेंट्स मौजूद हैं। हाउ मेनी आर पीजीटी बायोलॉजी एस्पिरेंट्स हियर, एक बार सिर्फ अपने थम्स अप देना, पीजीटी बायोलॉजी वाले थम्स अप देना, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ पीजीटी बायोलॉजी वाले भी यहां बैठे हैं। हाँ जी, इनमें से गलत क्या है, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन एम्फाइसेमा, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ रोजी, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज ह्यूम्यूलिन, एलाइसा इज अ जीन थेरेपी टेक्निक। बताइए क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट विल बी द राइट आंसर, इनकरेक्ट मैच इनमें से क्या है, इनमें से गलत क्या है, व्हाट इज द इनकरेक्ट मैच गिवन हियर। देखिए किट्टू मौजूद है, उर्मिला मौजूद है, संजू मौजूद है, रुक्मिना मौजूद है, चार पांच आते आई, सिमर कौर भी मौजूद है यहाँ पे, भाई काफी लोग हैं यहाँ पे पीजीटी वाले, ऐसा क्यों टेंशन ले रहे हैं, पल्लवी है, मंजू है, ममता है, नवीन है, सृष्टि है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जवाब भी दें, बताइए इसमें इनकरेक्ट क्या है, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन इट इज यूज फॉर एम्फाइसिमा, फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी को रिड्यूस करती है, तो ये सही है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ वॉज रोजी, ये भी सही है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन वॉज ह्यूमुलिन फॉर फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, ये भी सही है। एलाइसा इज नॉट अ जीन थेरेपी टेक्निक, इट इज अ ब्लॉटिंग मेजर, इट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इट इज अ सैम्पलिंग टेक्निक, तो ऑप्शन नंबर डी ही इनकरेक्ट है, बाकी तीनों सही हैं। एंड आज का आखिरी सवाल, माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट इज, माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट इनमें से कौन है, बीटी कॉटन, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, लेडी बर्ड बीटल और ड्रैगन फ्लाइज, क्या होगा जवाब। सर टीजीटी के पीवाईक्यू करा दिए क्या, नहीं अभी टीजीटी मिक्स होके चल रहे हैं भाई यहां पे टीजीटी, अच्छा कल से ना टीजीटी पीजीटी लिख दूंगा सवाल में, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, नहीं ये कर दूंगा टेंशन ना लेना, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, SORBENT एसे, ASSAY, माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट इज बीटी कॉटन, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, लेडी बर्ड बीटल या ड्रैगन फ्लाइज। इसका करेक्ट ऑप्शन है, माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट इज बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आज के 30 क्वेश्चंस मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आए होंगे, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए जुड़े रहिए, बिकॉज मॉक 2 मैंने बताया है 60 क्वेश्चंस के होंगे, कल 60 क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद आई विल बी डिस्कसिंग 90 क्वेश्चंस, दैट विल बी मॉक 3।
ऑफ बायोलॉजी, मॉक फोर्थ में 120 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा एंड मॉक फाइव विल बी ऑफ 150 क्वेश्चंस। तो बायोलॉजी में टोटल क्वेश्चंस मैं कितना आपको देने वाला हूं, 30 मिल गए और इधर हो गए 9, 6, 15 और 15, 300, 420 और प्लस 30, 450 सवाल आपको सिर्फ वाईटी सेशन से मिल जाने वाला है, ठीक है, फ्री में सबके लिए। प्लस पेड वाले स्टूडेंट्स के लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि एक मॉक स्टार्ट हो रही है, मॉक बैच स्टार्ट कर रहा हूं, लगभग सारे टीचर्स ही स्टार्ट कर रहे हैं अपने अपने डोमेन्स में, तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए जो मॉक बैचेस हैं वो भी स्टार्ट हो रही है शाम 4 से 5 या 5 से 6 के बीच में, ऐसा मेरा समय रहेगा, समय मैं आपको इत्तला कर दूंगा। जो भी पेड स्टूडेंट्स पहले से रहेंगे उनके लिए ये बिल्कुल फ्री होगा, लेकिन वो बच्चे जो अभी तक नहीं जुड़े हैं अड्डा 24/7 के साथ, बिल्कुल जुड़ जाइए। अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करिए, टीचिंग डिपार्टमेंट में जाइए, सबसे पहले टीचिंग का महापैक ले लेना, डबल वैलिडिटी का आज आखिरी दिन है। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि आज मंथ डे, मंथ आखिरी, मंथ एंड ऑफर है, वैलिडिटी तो जो आज एक्सपायर हो जाएगी 12 बजे, उसके पहले आप वैलिडिटी अपनी दुगनी कराना हो तो करा लेना। जो पहले से ही है एप्लीकेंट्स, मैं उन्हें भी बता रहा हूं, अगर आपकी डबल वैलिडिटी नहीं है तो आज आप डबल वैलिडिटी में भी अपग्रेड करा सकते हो, पहले यह सुविधा नहीं दी जा रही थी, आज ये दी जा रही है। और अगर आपके पास डबल वैलिडिटी होती है तो एक तो आपके कोर्सेज की एक्सटेंशन बढ़ी जाएगी, आगे आने वाले एग्जामिनेशंस में भी फायदा करेगा, प्लस केवीएस की जो पूरी प्रिपरेशन है उसके दौरान अगर कुछ नया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आ रहा है तो आपके लिए वो पेएबल नहीं होगा, पेएबल नहीं होगा मतलब अभी जो मॉक बैच आ रही है उसमें पेड स्टूडेंट्स को कोई भी एक्स्ट्रा मनी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नए बच्चे होंगे, जो नया ज्वाइन करेंगे, तुम चुप रहो सिरी, जो नए बच्चे आएंगे उन नए बच्चों के लिए वो थोड़ा पेबल होगा। एवरीथिंग कम्स एट अ प्राइस, नथिंग कम्स इन फ्री ऑफ कॉस्ट इन दिस लाइफ, राइट। और रही बात बाइलिंगुअल की, तो बेटा मुझे लगता है कि पीजीटी एस्पिरेंट हो, इतनी इंग्लिश और हिंदी आप सब समझते हो, और अभी अनुवाद करने का समय नहीं है, जितना ज्यादा तादाद में हो जाए दैट इज इंपॉर्टेंट। सो इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस, डू पिंग मी ना कि सर प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन हिंदी, तो आई विल एंड आई बेसिकली डू इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही, अगले छोटे से सेशन में मिलेंगे कि केवीएस टीजीटी केमिस्ट्री में किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है, और पूरा एक माइंड मैप आपको तैयार करके दूंगा कि कौन सा पहले कैसे कैसे कर लेना है केमिस्ट्री के लिए, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। सो करना क्या है, जिसके पास कोई पैक नहीं है 24/7 ऐप को डाउनलोड करो, अगर आप आईफोन यूजर्स हैं तो iOS पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉइड यूजर हैं तो गूगल पे स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डबल वैलिडिटी चल रही है, कूपन कोड Y223 लगाने पर 78% की डिस्काउंट के साथ 24 महीने की वैलिडिटी मिल जाती है, और टीचिंग के महापैक में आपको पीजीटी बायोलॉजी की बैच मिल जाती है, पीजीटी केमिस्ट्री की बैच मिल जाती है, टीजीटी साइंस और DSSSB और HSSC की प्रिपरेशन के लिए कई सारे बैचेस हैं जो अवेलेबल है, और वो सब फ्री होगा अगले 24 महीनों तक। So that's it from today's session. I hope you enjoyed the questions as well as will enjoy the upcoming sessions as well. Do like and share. Aur naye bachche subscribe zarur kar lena taki notifications time pe milti rahe. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.